अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, फिट फाट होंगे उम्मीद है। दोस्तों अभी मैंने नाश्ता किया है और नाश्ते के बाद आपको पता है गर्मी होती है। मैं सुबह किचन में आटा था नहीं और फिर मुझे होटल से लाना पड़े गरम गरम पराठे, वरना मेरे घर में बन जाते, लेकिन आटा ना होने की वजह से मैं देर से उठा था। आज मेरी छुट्टी थी तो इसलिए फिर मैं गया होटल, होटल से पराठे लिए, फिर वो मैंने खाए और बहुत मज़ा आया, और एक बड़ा कप चाय का, ओह माय गॉड, तो मज़ा ही आ गया। तो सुबह सुबह गरम गरम पराठे और उसके साथ एक कप चाय बहुत मज़ा आता है, और उसके साथ अगर थोड़े से सफ़ेद चने की थोड़ी सी वो हो, तरकारी हो, तो लाजवाब हो जाता है। तो मैंने तो बस सिर्फ, मेरे पास नहीं थे पैसे तो मैंने सिर्फ अपना दो पराठे लिए, 40 रुपए के मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, और दो मस्त गरम गरम पराठे लेके, उसका एक कप चाय। उसके अंदर ना मैं फ्रेश दूध नहीं डालता, उसके अंदर मैं डालता हूँ एवरीडे जो होता है ना, एवरीडे नेस्ले वालों का मैं वो डालता हूँ, तो वो मुझे सस्ता पड़ता है और वो अच्छा भी होता है। आपको पता है नेस्ले तो ब्रांडेड कंपनी है, तो मैं उसका पीता हूँ। तो लेकिन एक बात है, उसकी चाय पीने में इतना मज़ा आता है, इतना आप फ्रेश दूध की चाय पीने का मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक तो ये हो जाए कि मेरी तो आदत भी हो गई है, अगर मुझे कोई फ्रेश दूध की चाय पिलाता है ना तो मुझे वो टेस्ट उसमें नज़र नहीं आता, उसमें वो महसूस नहीं होता जो मुझे नॉर्मली उसमें एवरीडे में मज़ा आता है। तो ट्राई कीजिएगा, अगर आपने कभी एवरीडे की चाय नहीं पी तो फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसी एवरीडे की चाय, ठीक है। और कुर्बानी के हवाले से मैं बता दूं आपको, अच्छा 3 दिन है अभी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि मैं कुर्बानी कर लूँ, कहीं से असबाब बन जाए कि आखिर 3 दिन तक उम्मीद रखी मैंने। पहले तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि यार मैं कुर्बानी नहीं करूँगा, लेकिन अब मैंने जो है उम्मीद बना ली दोबारा से, और मेरे पार्टनर ने मुझे कहा कि उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ईद के 3 दिन तक कुर्बानी हो जाएगी, कोशिश करो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से अजवा बनाएगा। तो मुझे हौसला अफजाई हुई, तो मैंने कहा चलो मैं भी उम्मीद रख लेता हूँ अल्लाह से, क्या पता ईद के 3 दिन तक मैं भी कुर्बानी कर लूँ। उम्मीद तो है इंशाल्लाह के कर लूँ, ना हुआ तो अल्लाह जाने, अब ये मेरे नसीब में है नहीं इस बार, तो हो जाए तो अच्छा है, ठीक है बस।